हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आप हर एक चीज़ अच्छे से सीख सको। अभी तक मैंने आपको भिन्न का जोड़ घटाव सिखाना बता दिया, जब से क्लास लेना शुरू किया हूँ जल्द से। फिर इसके बाद एलसीएम या एचसीएफ निकालना सिखा दिया। अब आपकी बारी आती है परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखने का। वर्गमूल और घनमूल भी निकालना आपको सिखाया, शायद वर्गमूल पे वीडियो बना है, घनमूल पे नहीं बना है। तो आज सबसे पहले आप परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखिए, फिर इसी वीडियो में गुणा और भाग भी सिखाया जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव काफ़ी इजी है, अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव सीख लिए हो तो इसको भी सीख लोगे। अगर नहीं सीखे हो भिन्न का जोड़ घटाव तो इसमें मैं सिखा दूंगा। अब यहाँ पर इसका कुछ नियम है, परिमेय संख्याओं का हर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखना। इसके बाद अगर अंश और हर माइनस में है तो दोनों को क्या प्लस में लिखा जाएगा। जैसे ये बोला है कि परिमेय संख्याओं का हर माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर मान लो प्रश्न में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/-2 लिखा है तो इसी माइनस को क्या कहा है, नीचे से गायब करके ऊपर लाना पड़ेगा। अभी वो सब कुछ मैं बताऊंगा। अब अगर ये बोल रहा है, दूसरा चीज़ बोल रहा है, अगर अंश और हर माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब जैसे -3/-5 है तो -3/-5 को आप 3/5 लिखोगे। बातें समझ में आई कि नहीं, ये दोनों प्लस में हो जाएगा। अब चलिए सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, तब समझ में आएगा कि परिमेय संख्याओं का नियम कहाँ पे कैसे फॉलो करता है। अब जैसे देखो पहला सवाल है 2/3 प्लस और फिर इसके बाद -4/3 लिखा हुआ है। अब इस सवाल को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो हर क्या है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2/3 है तो इसे आप इस तरह से 2/3 लिख लेना। अब ये देखो इसका अंश क्या है, माइनस में है। एक नियम और है, अगर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात है कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को खत्म करोगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये जो 4/3 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4/3, बात समझ में आ रही होंगी। अब देखो परिमेय संख्याओं का जो हर है वह क्या है, बराबर है, यानी अब ये भिन्न का घटाव बन चुका है। तो जब हर बराबर है तो अंश में से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, और ये कितना कहलाएगा, -2। अब हर आपका बराबर है तो 3 लिख लेना, -2/3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरह से करना। अब चलिए एक दो सवाल और लगाता हूँ इसी पे आधारित, तब और समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे यहाँ मैं प्रश्न लेता हूँ क्या, -3/4 ले लेता हूँ। अब इसको जोड़ना हो किस में, प्लस करना हो -2/4 से। अब इसी चीज़ को जरा सॉल्व करो। अब इसका अंश क्या है, माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, -3/4 है तो हम क्या लिखेंगे, -3/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2/4 है तो इसे आप इस तरह से 2/4 लिख लेना। अब यहाँ पर हर आपका क्या है, बराबर है तो अंश को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसे आप इस तरह से लिख लेना -3/4 और बीच में माइनस क्या है, 2/4 है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस जब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 3 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हर बराबर है तो यहाँ पर 4 लिखो, -5/4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 और जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो जोड़ और घटाव के नियम में जो चिन्ह का नियम लगता है वो क्या होता है, जब दोनों संख्याएं माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। यही चीज़ अगर आप -3 × -2 करते तो 3 × 2 कितना होता, 6 होता, और माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, +6 इसका उत्तर आता। ये गुणा और भाग में नियम अलग होता है चिन्ह लगाने का, और जोड़ घटाव में क्या होता है, अलग होता है। चलिए आगे लेके चलते हैं, आगे कुछ सवाल समझाते हैं तब ना मजा आएगा। अगला सवाल देखो लेता हूँ, जैसे तीसरा समझ लो सवाल है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -5/-2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर जोड़ना कितना हो, -3/-2 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो जब दोनों अंश और हर दोनों माइनस में है तो दोनों को प्लस में लिखा जाएगा, 5/2 लिखा जाएगा। अब ये प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या 2 लिखें, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 3/ इससे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। हर आपका क्या है, बराबर है तो अंश को सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 हर बराबर है तो 2 लिख लो, 2/2 है तो 2 को 2 से काट दो, 1/ कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस टाइप के सवाल समझ में आ गए। अब देखो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे आपसे, इस तरह से यहाँ पर अलग से लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर सवाल लिखा जाएगा, चौथा सवाल है, 4/ कितना ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ।
फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ, माइनस तीन बटे कितना दो ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्याओं का अगर अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर परिमेय संख्याओं का सिर्फ हर माइनस में है अंश प्लस में है तो दिक्कत होता है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हर है उसको प्लस में लिखेंगे और अंश को माइनस में। सेम चीज है, देखो यहाँ पर जो चार है उसे हम माइनस चार लिखेंगे और जो हर है उसे अब हम पाँच लिखेंगे, सेम इसी तरह से करना। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तीन बटे दो है तो इसे हम तीन बटे अब दो लिखेंगे। अभी इसका हर क्या है, बराबर नहीं है तो हर बराबर भी करना पड़ेगा। मान लो अभी समझाने के लिए हम हर बराबर कर देते हैं, यहाँ पर भी हम पाँच लिख देते हैं, क्या पाँच, अब यहाँ पर भी पाँच लो, अब हर बराबर है तो अंश को हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, चार दो चार तीन कितना हो जाएगा सात हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हुआ, चार तीन कितना हुआ सात हुआ, जब दोनों चिन्ह माइनस को तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, हर आपका पाँच है तो पाँच लिख लो, माइनस सात बटे पाँच इसका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा मैं कठिन प्रश्न देता हूँ, जैसे देखो अगर हर बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर हर बराबर सॉल्व नहीं है तो कैसे करोगे। यहाँ पर पांचवा प्रश्न लेता हूँ, माइनस तीन बटे कितना लेता हूँ चार ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या प्लस, माइनस तीन बटे कितना माइनस आपका दो ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसका अंश क्या है माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसे माइनस तीन बटे चार लिखेंगे। और यहाँ पर अंश और हर दोनों माइनस में, तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हम प्लस क्या तीन बटे दो लिख लेंगे। अब ये भिन्न का क्या बन रहा है, जोड़ बन रहा है, तो चार और दो क्या है अलग अलग हर हैं, तो अलग हर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हर को बराबर कर लें या एलसीएम मेथड से हर को बराबर कर लेंगे। तो हम जब संख्या छोटी रहे और दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना रहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं, वो इजी होता है। अब दो का गुणा हम तीन में करेंगे यानी माइनस तीन में, दो तिया कितना होगा माइनस छः होगा, बटे में चार लिखेंगे। चार का गुणा तीन में करेंगे, चार तिया कितना होगा बारह होगा। अब यहाँ पर चार का गुणा दो में कर लो, चार दूना आठ हो जाएगा। दो का गुणा चार में करोगे तो दो चौके कितना होगा आठ होगा। दो का गुणा हम तीन में करते हैं, दो तिया कितना होगा माइनस छः, फिर चार का गुणा तीन में करेंगे, चार तिया बारह होगा, फिर दो का गुणा चार में कर लेते हैं, दो चौक आठ, और चार का गुणा दो में कर लेते हैं, दो चौक चार दूना आठ। अब हर आपका क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, तो आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, बारह में से छः घटाओगे कितना आएगा छः आएगा। अब हर बराबर है तो आठ लिख लो। अब यहाँ पर देखो माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, बारह में से छः घटेगा छः आया, किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी लगती है उसका चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगेगा। तो प्लस का जब भी चिन्ह आता है तो उसे इस तरह से लिख दिया जाता है छः बटे आठ, बातें समझ में। जैसे अगर कहीं पर प्लस सिक्स लिखा है तो उसे आप छः भी लिख सकते हो, अगर आपको कहीं पर प्लस दो बटे तीन लिखा हुआ है तो उसे आप इस तरह से दो बटे तीन लिख लोगे, और कहीं पर छः लिखा है तो उसे आप प्लस छः इस तरह से लिख सकते हो, कहीं पर दो बटे तीन लिखा है तो उसे प्लस दो बटे तीन लिख सकते हो। अब यहाँ पर छः बटे आठ कटेगा, दो से दो तीन छः हो जाएगा, दो चौके आठ, तो तीन बटे चार इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए सेम इसी तरह से करना। अब क्या इसी तरह से घटाव होता है, घटाव का भी प्रश्न कराता हूँ। जैसे देखो घटाव जब भी पूछेगा परिमेय संख्याओं का सेम जोड़ की ही तरह होता है। जैसे एक प्रश्न अच्छा सा समझाता हूँ, माइनस तीन बटे कितना माइनस दो ले लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाकर माइनस दो बटे क्या माइनस चार ले लेता हूँ। अब इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना होगा तो काफ़ी इजी तरीके से कर लोगे। माइनस और माइनस अंश और हर दोनों माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएगा तीन बटे दो, बीच में माइनस का चिन्ह है, ये माइनस दो बटे माइनस चार है। अब अंश और हर दोनों माइनस में है तो दोनों क्या आ जाएंगे प्लस में, दो बटे चार इसे लिखेंगे, ये तो बीच का माइनस का चिन्ह है। अब देखो दो और चार कट जाएगा, जब दो और चार कट जाएगा, हर अभी बराबर नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग से बराबर कर सकते हो काट के, दो एक कम दो हो जाएगा, दो दूना चार हो जाएगा। अब इधर भी बटे दो है, इधर भी बटे दो है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तीन में से एक घटाएंगे कितना आएगा दो आएगा, हर बराबर है तो दो लिखोगे, दो एक के दो, दो एक के दो, एक बटे एक को लिखोगे आप एक, इसका उत्तर कितना आएगा एक आएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से करना। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिया। अब हम बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा भाग। तो अब हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग सीखेंगे, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा इन प्रश्नों को सीखने में, क्योंकि गुणा और भाग काफ़ी ईजी होते हैं। जोड़ घटाव में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन गुणा भाग में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। भाग का बस एक सिंपल सा नियम है, वो याद रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए गुणे को सीखते हैं। माइनस तीन बटे दो गुणे माइनस चार बटे माइनस पाँच है, नियम आपको याद होना चाहिए। अगर अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस तीन बटे दो लिख लो।
अब यहाँ पर देखो अंश और हर दोनों माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे, इसे हम लोग 4/5 लिख लेंगे। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से कट रही है तो काट पीट के सरल कर लेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। -3 × 2 में करोगे तो माइनस कितना होगा, 6 होगा, नीचे 5 × 1 कितना होगा, 5 होगा, -6/5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आप ये तभी लगा पाए हो जब आपको नियम पता था। चलिए अगला प्रश्न है, -3/-4 × 3/-2 करना है, नियम सेम लगाना है, जब दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 3/4 हो जाएगा गुड़े। अब यहाँ पर हर क्या है माइनस में, अंश क्या है प्लस में, तो यहाँ पर दिक्कत है, हर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम अंश को माइनस में लिखेंगे, हर को क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। ये भी नियम याद रखना, नहीं तो तुरंत गलत करोगे। अब देखो जो भी संख्या कट रही है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे। 3 × 3 में करेंगे, 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। 4 × 2 में करेंगे, 4 × 2 = 8 होगगा। -9/8 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब ये जो नियम पलटता है, 3/-2, अगर हर क्या हो माइनस में हो तो मैं क्या बोलता हूँ, अंश को आप माइनस में लिख देना, हर को प्लस में लिख देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्यों कहता हूँ जरा ध्यान देना, इसका एक फंडा है, नियम है। अब यहाँ पर जैसे कोई संख्या 3/-2 लिख रहा है तो इसको हमको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें -1 से गुणा करते हैं और इसमें भी -1 से गुणा करते हैं। तो 3 × -1 में करोगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना था, -2 × -1 करोगे तो -± हो जाएगा, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, -3/2 ही इसका उत्तर आएगा। इसीलिए डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है, अगर हर क्या है माइनस में है तो हम क्या करेंगे, अंश को माइनस में लिख देंगे और हर को प्लस में लिख देंगे, उत्तर यही आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5/-6 लेता हूँ तो हम इसको बोलूँगा कि -5 इसे लिखिएगा, हर जो 6 है उसे प्लस में लिख दीजिएगा, -5/6 उत्तर आएगा। अब सेम यही चीज़ करके इसके साथ देख लो, ऑपरेशन कर लो, यही उत्तर आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, कैसा है, दिखता है, जरा इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 6/-4 है, यहाँ पर अंश माइनस में तो हर को हम माइनस में लिखेंगे, -6/4 लिखेंगे। गुड़े अंश माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, -3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 से हम 6 को काटेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। कोई चीज़ अब कटे पिटेगा नहीं तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 × 1 में करोगे, 4 × 1 = 4 होगगा, 9/4 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इस प्रश्न को करते हैं, 2/4 × -3/2, ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखो 2/4 है तो 2/4 इस तरह से लिखो, गुड़े यहाँ पर -3/2 लिखोगे। यहाँ पर 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा तो -3/ कितना आएगा, 4 इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न है, आगे हमारा परिमेय संख्याओं का भाग है। अभी एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जिसमें गुणा भाग दोनों रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी मैं तो समझा रहा हूँ जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे किया जाएगा नियम के तहत परिमेय संख्याओं का। अब यहाँ पर देखो -3/5 / 2/6 भाग में क्या होता है, क्या होता है अभी बताता हूँ तब पता चलेगा ना क्या होता है। यहाँ पर क्या है, -3/5 है तो -3/5 इस तरह से लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6/2 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई चीज़ कट नहीं रहा है तो 6 × -3 में करेंगे, 6 × 3 कितना होगा, 18 होगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ कट रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया, 6 × 2 आराम से कट जाता, तो 6 × 2 आराम से कट जाता तो हम काट लेते, लेकिन वहाँ ना काट के हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, 2 × 9 = 18, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, -9/5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, ई का हो गया, -8/16 / -4 कितना है, 32 है। इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, -8/16 तो -8/16 आराम से लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। अब यहाँ पर जब सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो -4/ कितना है, 32 है, तो ये क्या हो जाएगा, 32/ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर जब 32/-4 हो जाएगा तो नीचे क्या हो रहा है, माइनस आ जा रहा है, जबकि नीचे हर माइनस में नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अब 32 को माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पर -8/ इस तरह से 16 लिखेंगे, गुणे -32/ लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। बातें समझ में आई, 4 से हम 8 को काट देंगे, 16 से 32 को काट देंगे, 16 × 16 = 16, 16 × 2 = 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 4 को भी काट सकते हो, 4 से 8 को भी काट सकते हो, तो 4 से 8 को काटेंगे, 4 × 2 = कितना होगा, 8 होगा। नीचे सब कुछ कट चुका है, माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 × 2 में करेंगे, 2 × 2 = 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा सेम यही सब तरीका अपना के इन प्रश्नों को निपटा दीजिएगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं, आगे हमारा क्या है, -8/-3/6/-16 है। अब इस प्रश्न को क्या करता हूँ, HW दे देता हूँ,
एक प्रश्न पहले से लिखा था, तो दो प्रश्न आपको यस डब्ल्यू मिल गए, इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी पे करिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहाँ से प्रश्नों का श्रृंखला अब शुरू होता है जिसमें गुणा भाग दोनों दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट का नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में रेखा कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पर देखो क्या कौन सा कोष्ठक है, यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत छोटा कोष्ठक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत -4/5 लिखेंगे, गुणे यहाँ पर 3/-7 है, तो नीचे हर क्या है माइनस में, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, -3/7 लिख देंगे। कोई भी चीज़ किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो हम अंश कांश में गुणा करेंगे, -4 × -3 करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 तीन कितना होगा 12 होगा। अब 7 × 5 में करेंगे, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आगे गुणे 2/9 है, तो 2/9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 12 से 9 कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो 4 × 2 में करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 35 × 3 में करेंगे, 3 × 5 = 5 और 3 × 3 = 9 कितना हो जाएगा 10, 8/105 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं अगले पड़ाव में। यहाँ पर देखो गुणा भी सारे क्या है, आपस में गुणे में है, तो ऐसा प्रश्न आपके सामने दिखे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। -3/5 × -10/-9 × 21/-4 × -6 हम क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, इसमें सारा छोटा ब्रैकेट है, तो -3/5 है तो -3/5 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 10/9 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस करना पड़ेगा, -21/4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर -6 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1/2 लिख सकते हो, तो इसे हम -6/1 लिखेंगे। अब जो भी संख्या कट रही है तो काट पीट के सरल करेंगे, जैसे हम इसको काटते हैं, ध्यान देना 5×1 कितना होगा 5 होगा, 5×2 = 10 होगा। अब 2 से हम 4 को काटेंगे, 2×1 = 2 हो जाएगा, 2×2 कितना होगा 4 होगा। अब 2 से इस वाले 2 से हम 6 को काटेंगे, 2×1 कितना होगा 2 होगा, और 2×3 कितना होगा 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 3 से 9 को काटेंगे, 3×1 कितना होगा 3 होगा, और 3×3 कितना होगा 9 होगा। अब इस 3 से हम इस 3 को आराम से काट देंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, भिन्न का गुणा जब मैं बता रहा था तो उसमें नियम भी बताया होगा कि अगर सारे आपस में गुणे में हैं तो हम संख्याओं को कहीं से भी तिरछा काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे हम 5 से अगर यहाँ पे 10 होता तो भी काट देते, नियम बताया हुआ मैं आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, नीचे क्या है ऊपर क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पर 1 है, ये पूरी तरह से कट चुका है, 2×1 = 2 कटा हुआ था, ये -21 है, ये भी पूरी तरह से कट चुका है। तो यहाँ पर अगर नीचे अगर आप गुणा करोगे, माइनस का गुणा -21 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। ये सारी चीज़ें जरा ध्यान देना, अगर देखो -1 का गुणा आप 1 में करोगे तो ध्यान देना, इसको मैं अलग से बताता हूँ तब मजा आएगा ना। -1 है, फिर यहाँ पर क्या है 10 को काटे हो, फिर 2 आया, फिर 1 बचा हुआ, फिर ये गुणे क्या है 1 है, प्लस में है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है गुणे -21 लिखा हुआ है, ध्यान देना। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 को काटे हो तो एक बार में कटा है, तो माइनस कितना है वो 1 है, और इधर बीच में गुणे का चिन्ह है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, -1 × 1 करोगे तो कितना होगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है। फिर गुणे बचेगा -21 बचेगा, फिर गुणे माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 21 × 1 में करोगे कितना होगा आपका 21 होगा, और यहाँ पर फिर गुणे आपका कितना बचेगा -1 बचेगा, तो प्लस गुणे माइनस करोगे तो माइनस होगा, 21 × 1 करोगे तो -21 हो जाएगा। तो ऊपर जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा -21 आएगा, कितना आएगा -21 आएगा। अब बटे में देखो क्या होगा, बटे में नीचे माइनस है ही नहीं, सब प्लस में, तो यहाँ पर बटे में और सारी संख्याएं क्या है बटे में कट चुकी हैं, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी, तो नीचे क्या है 21 है, तो -21/1 को आप -21 लिखोगे, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं समझ में इस चीज़ें। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा है भिन्न का गुणा और भाग साथ में दिया है तो कैसे सॉल्व होगा, आराम से सॉल्व होगा, बस ध्यान देना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में 3/-4 × 2/6 लिखा हुआ है। हम यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर
जो माइनस नीचे है ऊपर कर देंगे, माइनस 3/4 लिख लेंगे। गुड़े कितना 2/6 है तो 2/6 लिख लेंगे। अब इसको आराम से साल्व करेंगे। इधर क्या है, -8/5 है तो -8/5 लिख लेंगे। यहाँ पे काटोगे 2×1 होगा, 2×3 6 होगा, 3 से हम 3 को काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, -1 गुड़े कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो -1 का गुड़ा 1 में करोगे तो माइनस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या माइनस होता है। अब यहाँ पर 4 का गुड़ा 1 में करोगे, इधर एक बार में कटा था, 4×1 कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना लो, क्योंकि ब्रैकेट अब खत्म हो चुका है। -8/5 हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/4 कितना है, 4 है, भाग का चिन्ह बनाओ, ये संख्या पलट जाएगी, 5/ कितना, -8 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नीचे माइनस आ चुका है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/4 गुड़े कितना हो जाएगा, -5/8 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या इधर कटेगी नहीं तो हम आपस में गुणा कर लेंगे, 5×1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5×8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 5 का गुणा जब 1 में करोगे तो कितना होगा, -5 होगा, -5/32 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विशेष प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर देखो 2/3 प्लस कितना है, 0 है। अगर इस टाइप का भिन्न का जोड़ घटाव आ जाए आपके सामने तो कैसे करोगे, या गुणा भाग, सब कुछ बताते हैं। अब यहाँ पर 2/3 को अगर 0 में जोड़ना है तो ध्यान देना, अगर 2/किसी भी संख्या को 0 में जोड़ोगे तो उसका मान उतना ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। अब यहाँ पर देखो हम इसको बताते हैं कैसे जोड़ा जाता है। 0 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1/2 लिखो, ये 2/3 इसे लिखो 2/3 प्लस इसे 0/1 लिखो। हर बराबर नहीं है तो 1×2 में करो, 1×2 हो जाएगा, 3×2 0 में करो, 3×0 हो जाएगा। अब नीचे 3×1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, और 3 है तो 3 लिखो, 2/3 इसका उत्तर होगा। उसी तरह से -3/ कितना है, 7 है, इसका भी उत्तर कितना आएगा, -3/7 ही आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1/2 लिखो। अब देखो 1×3 -3 में करोगे, -3 रहेगा, 7×0 शून्य में करोगे, 7×0 रहेगा, और 7×1 में करोगे, 7×1 7 हो जाएगा। अब -3 और प्लस 0 करोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, -3 है तो -3 रहेगा, 7 है तो 7 लिखना, ये इसका उत्तर होगा। लेकिन गुणा और भाग में दिक्कत आ जाएगा। अब जरा गुणा और भाग समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8/5, अब गुणे यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 आएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ और पढ़े होगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे अगर आप 8/5, अब 0 के कुछ नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखो, 8×0 करो, 8×0 हो जाएगा, 5×5 लिखो। 0/5 का मतलब होता है 0 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दोगे, 5×0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। चीज़ें समझ में आएगी नहीं। अब उसी तरह से अगर यहाँ पर 6/2 लिख दो और इसमें भाग देना पड़ जाए किससे, 0 से, अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1/2 लिखो। अब 6/2 है तो 6/2 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सो ये क्या हो जाएगा, सामने वाली भिन्न पलटेगी, 1/0 लिखाएगा। अब 6×2 को काट लो, 2×1 2 तिहाई कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3×1 में करोगे, 3×1 3 होगा, 0 है तो 0 लिखो। अब यहाँ पर देखो किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। समझ में आ रही बात है कि नहीं, तो इसको यहीं पे करके इस तरह से छोड़ देना। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर किसी भी संख्या के साथ हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं। अगर यही चीज़ उल्टा होता, जैसे 3/0 लिखा है, इसी चीज़ को हम 0/3 लिखें तो जानते हो इसका मान निकलता है, इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या में अगर शून्य में अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 0 आ जाता है। चीज़ें समझ में आए कि नहीं। लेकिन ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 3 में आपको 0 से भाग देना है, 3 में अगर आपको 0 से भाग देना है तो बाबू 0×0 लेके जाओ, 0 इसी तरह से करते रहो, 0×0 आता रहेगा। समझ में आई बात है कि नहीं, ये चीज़ गलत होता है, करते रह जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, तो ध्यान दीजिएगा अगला क्लास देखते हैं किस पे लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।